शायद तुम्हारे फादर तुमसे खुद मिलना चाहते हो, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वो इंतजार में हो कि तुम बहन करो। नहीं हारे, वो मेरा घर नहीं और वो हरगिज मुझसे मिलना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है समझानी के तुम्हें अब हारिब से बात कर लेनी चाहिए कि हम उसके और अंबर के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि अंबर हारिब को पसंद करती है। ओके, तो अगर तुम फ्री हो तो चलें। हारिब, इतनी भी क्या एक्साइटमेंट है आपको? सबर कर ले, मेरा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं क्लास अटेंड कर लूँ, उसके बाद चलेंगे। और कितना इंतजार करवाओगी? मतलब? मेरा मतलब है कि कितना टाइम लगेगा? अरे बस 45 मिनट की क्लास है, फ्री होके मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। ओके ठीक है, फ्री होते ही बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अंबर यहाँ कैसे आ गई? हेलो हेलो आरिब, व्हाट्स अप? कहाँ हो? क्यों? एक्चुअली मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, पर आई थिंक आई एम लॉस्ट। मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाऊं, लेकिन तुम कहीं नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ हो? मैं तो आई गॉट यू, वेट वेट वेट, आई एम कमिंग। हाय हाय, व्हाट्स अप? तुम कहाँ हो यार? मतलब मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। और तुम, ये कौन है? आई थिंक शी इज अंबर। हारिब ने अक्सर जिक्र किया उसके बारे में। कौन अंबर? अंबर हारिब के फादर के बिजनेस पार्टनर की बेटी है, अभी अभी अमेरिका से वापस आई है, और हारिब के घर वाले चाहते हैं कि अंबर से हारिब की शादी हो जाए। अरे नब, रुको तो सही, मिल के तो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है। अरे तुम तो इस तरह क्लियर सिग्नल दे रही हो कि तुम उनसे जेलस हो। नो आई एम नॉट। इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी मत जाओ, चलो उनसे मिलते हैं। अरे अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा बेटा, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अच्छे खानदान का फर्द है, लेकिन बेटा उससे मिलकर ही पता चलेगा कि उसके इरादे कितने मजबूत हैं और वो कैसा इंसान है। दिस इज अंबर, माय चाइल्डहुड फ्रेंड और पापा के बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी। ओह अंबर, ये है मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज शानी, हिना, जफर, विकी और अनम। हेलो एवरीवन। हेलो। मैंने सोचा आज हारिब की यूनिवर्सिटी चलते हैं। क्यों हारिब, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अंबर तो मुझे अक्सर ऐसे सरप्राइजेस देती रहती है, अक्सर रात को घर पे आ जाती है कि चलो कभी मूवी देखने चलें, कभी आइसक्रीम खाने चलें, बस इसके सारे प्लान्स ऑल ऑफ सडन होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, नाइस टू मीट यू अंबर। खुशी हुई देखकर कि हारिब जैसे सोफिस्टिकेटेड लड़के की लाइफ में तुम जैसी हैपनिंग लड़की भी है। आई एम श्योर यू विल चेंज हिम। यस ऑफ कोर्स आई विल चेंज हिम। बाय द वे गाइस, व्हाट्स द प्लान? मैंने सोचा था हारिब को शॉपिंग पे लेके चलें, बट आई थिंक दैट यू गाइस कैन आल्सो जॉइन अस। यस यस, व्हाई नॉट? हां बिल्कुल, लेट्स गो फॉर बॉलिंग। सॉरी गाइस, मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं जा सकता, मेरी भी एक कमिटमेंट है।
इसलिए कहता हूँ कोई भी प्लान बनाने से पहले इन्फॉर्म कर दिया करो, ऐसे सरप्राइजेस मत रखा करो। अब क्या हुआ? आज मेरे फुटबॉल की नेट प्रैक्टिस है एंड यू बेटर नो फुटबॉल इज माय फर्स्ट लव। ओके ओके नो वरीज, एक काम करते हैं, लेट अस वॉच योर नेट प्रैक्टिस फर्स्ट, फिर उसके बाद कहीं चले जाएंगे। एक्चुअली इट विल टेक क्वाइट लॉन्ग। नो आई एंजॉय दैट। यार अंबर बात को समझा करो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे अभी जाने दो, ठीक है? रात को मिलते हैं, व्हाई नॉट अ मूवी और अ कैफे। नॉट अ बैड आइडिया। डू यू गाइस वांट टू जॉइन अस? व्हाई नॉट, वी विल। चलो ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, अमित तुम भी घर जाओ। अरे तुम्हारी वो दोस्त नजर नहीं आ रही, अंबर से भी तो मिलवाओ उसे। क्या नाम है उसका? हाँ ईमान। क्यों यार, कम ऑन। हाँ हु इज शी? लेट्स मीट हर। अरे छोड़ो यार, शी इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। और वैसे भी वो आज आई नहीं, मुझे तो नजर नहीं आई। आई एम गेटिंग लेट, चलो अंबर। ओके गाइस। Come on, Amber, hurry up. Let me see you off, then I have to leave. अच्छा सुनो, मैं दो तीन दिन के लिए मालदीव जा रही हूँ। हाँ। Trip with friends. इसलिए सोचा तुमसे मिलती भी चलूँ। अब रात का प्लान मत कैंसिल कर देना, हाँ? Okay. Oh shit. What happened? तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कैंटीन ढूँढने गई थी, वहीं अपनी कीज भूल के आ गई। अब चलो, कोई ले ना जाए। रुको ईमान। हारिब हाथ छोड़ेंगे, हारिब सब देख रहे हैं, प्लीज। ईमान, I'm sorry. वो मेरी सिर्फ दोस्त है, I mean family friend. यूनिवर्सिटी किसी काम से आई थी तो मुझसे मिलने आ गई बस। हारिब पर मैंने तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। She is just a friend. हारिब, I'm sorry. I think I should. रुको ईमान, कहाँ जा रही हो? हारिब देखें आपके बहुत सी फ्रेंड्स हो सकती हैं और यकीन करें मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन हारिब एक दफा और सोचने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले। हारिब आपका और मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है हम दोनों। मेरी बात सुनो ईमान, वो सिर्फ एक दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड।
और तुम मेरी मोहब्बत हो। अब चलो, आज बहुत से काम करने हैं, बड़ी बी से भी मिलना है, चलो। आओ बेटा। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ और खुशबख्त से कहो हारिब के लिए चाय बनाए। जी बड़ी भी। और बेटा तुम ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? ईमान, हारिब भाई तो बहुत डिसेंट और गुड लुकिंग है, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तो तुम हो जिसको मेरी बेटी ईमान ने चुना। एक बात बताओ, तुमने ये फैसला सोच समझ के किया? जी बड़ी बी, मैं ईमान के बारे में बहुत संचिता हूँ। क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? जी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन बेटा तुमने शादी जैसा बड़ा फैसला घर वालों की रजामंदी से करना चाहिए। बड़ी बी, अगर वालदेन के फैसले से मैं खुश ना हूँ तो? लेकिन इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए मोहब्बत के अलावा। वजह है बड़ी बी, मुझे अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान की तलाश है, जो मुझे अपने वालदेन की मर्जी से कभी नहीं मिल सकता। और मुझे ये यकीन है कि ये सब मुझे ईमान के साथ जिंदगी गुजारने से ही मिलेगा। सुनो जाओ, चाहिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ईमान को खुश रखूंगा। बेटा जिंदगी में इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। एक बात बताऊं बेटा, ये तमाम मरहले इंसान सब्र और हिम्मत से पार कर सकता है, और मुझे लगता है तुम कमजोर इंसान नहीं। भरोसा रखें बड़ी बी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और ईमान को कभी मायूस ना करूं। बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने वालदेन को राजी कर लो, क्योंकि उनकी दुआएं शामिल हाल रही तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरेगी बेटा। और अगर वो राजी ना हुए बड़ी भी तो फिर बेटा जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो समझौता कर लो या फिर अपने फैसले पर डट जाओ और साबित करो कि तुमने गलत फैसला नहीं किया। और बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम ईमान के वाले से भी मिलो। बड़ी बी, मैं ईमान के फादर से खुद भी मिलना चाहता हूँ और उन्हीं से ईमान का हाथ भी मांगना चाहता हूँ। सुनकर मुझे खुशी हुई। बेटा शादी जैसा बड़ा फैसला बड़ों की रजामंदी से ही अच्छा लगता है। हाँ अगर फिर भी कोई तुम दोनों का साथ ना दे तो मैं तो हूं ना, तुम दोनों का साथ दूं। भाई। शुक्रिया। बेटा ये मेरी छोटी बेटी खुशबख्त और अब ईमान की बहन भी है, बस कुछ ही दिनों में इसकी शादी हो जाएगी और ये पराई हो जाएगी। माशाल्लाह। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा, और बहुत जल्द चाहूंगी कि तुम्हारे घर वालों से मिलूं। बड़ी भी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईमान को लेके उसके फादर से मिलने जा सकता हूँ आज? हाँ ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे। सही तो जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पे जाने का कोई फायदा नहीं।
रिलैक्स है मां। यहां से राइट। क्या मेरा हारिब के साथ वहां जाना ठीक होगा? अगर मेरी सुतीली माँ ने अगर मेरी मॉडलिंग का कोई जिक्र कर दिया तो? यह है तुम्हारा घर? मेरा नहीं, मेरे पापा का। उदास मत हो ईमान, चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि बार बार इस दरवाजे से वापस सोने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मगर इस दफा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे प्लीज अब मत करें, अब जाएं। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। कौन सा? जी मुझे अहमद अमीन साहब से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम हारिब समदानी है और मैं उनकी बेटी ईमान का यूनिवर्सिटी फेलो हूँ। मुझे ज़रा उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आप मेरा उनको पैगाम दे दें या फिर उनका फ़ोन नंबर दे दें, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। आप यहीं ठहरे, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। बड़े घरों में रहने वालों के दिल इतने छोटे क्यों होते हैं? बीबी जी, वो ईमान बीबी। क्या वो फिर आ गई यहाँ पे? नहीं नहीं जी, उनके जानने वाले हैं, हारिब समदानी, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब उसके बॉयफ्रेंड भी आएंगे यहाँ पे? क्या कह रहे हैं वो? जी शक्ल सूरत है तो अच्छा लड़का लग रहा है। जितना तुमसे पूछा है ना उतना जवाब दो मुझे। जी वो कह रहे थे साहब से मिलना है और उनका नंबर भी मांग रहा था।